हांडी में बनी हुई दाल मखनी बहुत ही टेस्टी लगती है, यूनिक फ्लेवर और यूनिक खुशबू आती है इसकी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम। चलिए आज हांडी में दाल मखनी बनाते हैं। पर उसको बनाने से पहले एक बात से मैं आपको आगाह कर दूं कि 2-2.5 घंटा के करीब लग जाता है दाल मखनी बनने में हांडी में, क्योंकि उड़द की दाल, राजमा ये सब गलने में बहुत टाइम लेती है। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। होने के लिए अभी यहाँ टेबल स्पून लिए थे के रखे हुए हैं, राजमा भिगो रखे हैं 2 टेबलस्पून, आधा कप मैंने उड़द की दाल, ये सब अच्छे से धो धो के भिगोए थे, उड़द की दाल भिगो के रखी है आधा कप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चने की दाल और मूंग छिलका दाल, ये 1-1 टेबलस्पून है। अब आप पूछेंगे दाल मखनी में चने की दाल और मूंग छिलका का क्या मतलब है, तो ये जो अच्छे से घुटती है दाल, ये इसी वजह से घुटती है क्योंकि इसके अंदर चने की दाल और मूंग की दाल डाल दी जाती है, तो उससे काफी अच्छे से घुट जाती है। तो मैं अब हांडी रखने लगी हूँ गैस पे, गैस ऑन कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी बॉईल हो जाएगा तब दाल डालेंगे, और हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसको बीच में देखना पड़ेगा कि पानी खत्म तो नहीं हो गया, फिर थोड़ी थोड़ी देर में पानी और डालना पड़ेगा। तो अभी जिस पानी में ये दाल भीगी हुई थी मैं बस वही पानी डाल रही हूँ, और ये जब बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दाल और नमक डाल दूंगी। ये देखिए आपको सारी दालें अब अच्छे से दिखाई देंगी, मूंग धुली भी, चने की दाल भी, राजमा और उड़द दाल भी। तो अब ये इसका पानी का बॉईल आने का वेट करते हैं, उसके बाद ये डालते हैं दालें। अच्छा एक चीज और दिखाऊं आपको मैं, क्योंकि अब जैसे हीट आने लग गई है आप देख सकते हैं पानी यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बहता सा हुआ। एक्चुअली ये बिल्कुल नई हांडी है, जैसे पहले हमने एक बड़ी हांडी ली थी, हम अब छोटी लेके आए हैं ताकि इतनी बड़ी हांडी में जैसे आपको दिखा भी नहीं पाते हम, ये छोटी हांडी में अच्छे से दिख जाएगा। तो नई नई जो हांडी होती है एक दो बार, एक तो हम ओवरनाइट उसको हांडी को पानी में भर के रखते हैं इसमें पानी, और उसके बाद जब हम पकाते हैं पहली बार तो ये थोड़ा थोड़ा सा पानी चूता है, पहली दूसरी बार एक दो बार इसमें से साइडों से भी पानी चुएगा, लेकिन उसमें चिंता की कोई बात नहीं, ये मत समझिएगा कि आपकी हांडी खराब है। हाँ अगर बिल्कुल पानी नलके की तरह बहना शुरू हो जाए फिर अलग बात है, बट अगर ऐसे हल्का हल्का सा पसीना पसीना सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हांडी ठीक है, बस ये पहली बार पक रहा है इसीलिए ऐसे हो रहा है, और इसको बनाएंगे भी कम सेक पर। तो अभी देखते हैं पानी का क्या हाल है, अभी तो बुलबुले भी आने नहीं शुरू हुए आप देख सकते हैं, तो अभी रुकते हैं इसको बॉईल होने देते हैं। देखिए फूडीज इसमें कितना अच्छा बॉईल आने लगा। तो अब मैं इसमें मैंने सेक कम कर दिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल। बिल्कुल कम सेक पर नहीं बनाऊंगी, मीडियम सेक पर बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरा ये गैस का ये साइड है ये थोड़ा सा वैसे ही हल्का सेक वाला है, तो इसीलिए मीडियम सेक कर दूंगी इसका मैं, पर अभी दाल डालने के लिए मैंने कम सेक कर दिया है। ये डल गई दाल, अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है इसमें, और ये नमक डाल रही हूँ, बाद में हम स्वाद अनुसार और जितना चाहिए होगा डाल देंगे, और जरा सी डाल रही हूँ हींग, अभी कम डालूंगी क्योंकि उड़ भी ना जाए, तो 2 इंच जितनी हींग डाल दी मैंने इसमें, और इसको अब कर दूंगी मिक्स। बीच में हम इसको आकर चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे, जैसा कि मैंने कहा 2-2.5 घंटे के करीब लग जाते हैं, बीच बीच में हमें पानी डालना पड़ेगा, तो बीच बीच में मैं आपको एवरी हाफ एन आवर और सो दिखाती रहूंगी इसको। देखिए इसको पकते लगभग 45-50 मिनट हो चुके हैं, और मैं बीच में 2 बार आके इसमें पानी डाल चुकी हूँ 1-1 कप जितना, और अभी मैं 5 मिनट पहले ही पानी डाल के गई थी, तो अभी दोबारा से ये बॉईल नहीं हुआ है पानी, लेकिन आपको मैं दालें दिखाती हूँ। देखिए काफी कुछ तो ये डन हो गई हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा इसको,
तो अब की बार मैंने थोड़ा ज्यादा पानी डाला है। पहले बीच में दो बार मैं डाल के गई थी आधा आधा पौना पौना कप जितना, कप नहीं मग, जो हमारे सूप वाले मग हम कई बार आपको दिखा चुके हैं, और अब की बार मैंने एक पूरा सूप मग इसमें पानी का डाला है। तो अब ये अभी बॉयल आना बाकी है, बट मैंने सोचा कि एक बार आपको बीच में दिखा देती हूँ। देखिए बॉयल भी आना शुरू हो गया, तो इसको मैं दोबारा ढक के रख रही हूँ। मैंने ढक के ही इसको पकाया है क्योंकि ढकने से थोड़ा सा जल्दी पक जाता है। तो अब फिर थोड़ी देर में आकर दोबारा देखेंगे हम आधे पौने घंटे में आकर, पर मैं बीच बीच में देखती रहूंगी क्योंकि हो सकता है और पानी की भी जरूरत पड़े। देखिए तकरीबन यहाँ पर डेढ़ घंटा हो गया है, डेढ़ से भी थोड़ा सा ऊपर ही हो गया होगा, पौने दो के करीब। और दाल मेरी मैं देख के गई थी अभी दो तीन मिनट पहले, पानी खत्म हो गया था तो पानी और डाल दिया है, बट ये देखिए आप काफी गल गई है। अब बस इसको घुटना बाकी है, तो इसीलिए अब मैं इसके अंदर हींग और गरम मसाला डाल दूंगी बाकी का, और तड़का फिर हम बाद में लगाएंगे जब ये पूरी तरह से हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने एक चौथाई चम्मच के करीब इसमें डाल दी हींग, और तीन चौथाई चम्मच के करीब डालूंगी गरम मसाला। ये दाल थोड़ी ज्यादा है इसलिए तीन चौथाई चम्मच के करीब गरम मसाला डाल रही हूँ, पर आपने देखा ही है मैं ज्यादातर हाफ टी स्पून ही डालती हूँ गरम मसाला, क्योंकि हमारा गरम मसाला बहुत स्ट्रांग है। तो इसको मिक्स कर दूंगी, अब इसकी खुशबू अच्छे से आने लगेगी इसीलिए अब इस टाइम पे डाल रही हूँ मैं इसे, और अब इसको ढक के रख दूंगी। तकरीबन 15-20 मिनट और लगेंगे और ये घुट जानी चाहिए तब तक अच्छे से। तो फिर जब एक बार ये घुट जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे, और फिर उसके बाद तड़का भी दिखाएंगे। देखिए फूडीज एग्जैक्टली दो घंटे में हमारी ये दाल पक गई, एक्चुअली 2 घंटा 5 मिनट, पर वो भी इसलिए क्योंकि जो मैंने पानी डाला था वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, तो मुझे 5 मिनट और एक्स्ट्रा रखना पड़ा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सब गला हुआ है, घुटा हुआ है एकदम से। तो अब मैं इसको गैस को बंद कर रही हूँ और तड़के की तैयारी करती हूँ, फिर आपको तड़का बना के दिखाएंगे। देखिए फूडीज मैंने हड्डी को नीचे उतार दिया है, आप देख सकते हैं वो पानी भी पूरा का पूरा सूख गया और कितनी अच्छी रली हुई है दाल। पानी इसमें और डालना पड़ेगा मुझे, वो मैं बाद में डालूंगी, अभी तड़के की तैयारी करते हैं। तो आपको तड़के का सामान भी दिखा देती हूँ मैं। यहाँ देखिए ये मैंने 7 से 8 गार्लिक लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। धनिया पत्ती की जरूरत नहीं होती है दाल मखनी में, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा काट लिया है। ये अदरक के जूलियंस है, ये बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर लगता है, तो इसलिए हम ये जरूर डालते हैं। 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली, मैं आपको हरी मिर्च का साइज भी दिखाती हूँ, आजकल काफी बड़ी बड़ी आ रही हैं। ये देखिए ये ऐसी बड़ी वाली 2 हरी मिर्चें मैंने ये काट के यहाँ पर रखी हैं, और यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आप देख सकते हैं एकदम लाल टमाटर है, खट्टे और एकदम लाल टमाटर जो है वो बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर और कलर देते हैं इसको, इसीलिए हमने यही वाले पीसे हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। मैं यहाँ पर गैस ऑन कर रही हूँ फ्राइंग पैन में, और मैं इसमें डालूंगी बटर। वैसे तो व्हाइट बटर बेस्ट रहता है, बट व्हाइट बटर हमारे पास था नहीं, और व्हाइट बटर थोड़ा आसानी से हमारे आसपास मिलता भी नहीं है, इसीलिए हम नॉर्मल बटर का यूज करेंगे। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 2 टेबलस्पून जितना बटर, आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, पर मेरी दाल आपने देखा ही है बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं 2 टेबलस्पून जितना बटर ले रही हूँ। और हाँ, आप अगर चाहें तो देसी घी में भी इसको बना सकते हैं, पर बटर का टेस्ट ही अलग होता है। तो देखिए फूडीज ये बटर लगभग पिघल गया, मैंने इसमें आपको बता दूं आधा चम्मच जितना ऑलिव ऑयल भी डाला था, क्योंकि नहीं तो बटर काला होने का डर रहता है जलने का। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक, सेक कम रखा हुआ है, लेकिन जब तक मैंने बटर निकाला, पिघला हुआ नहीं था, तो जब तक निकाला तब तक पैन काफी गर्म हो गया था, इसीलिए डालते ही ये फटाफट से पिघल गया है। तो ये डाल दिया हमने गार्लिक, अब मैं थोड़ा सा मीडियम सेक कर दूंगी इसका। गार्लिक को हमें रेड करना है, यानी गोल्डन ब्राउन, थोड़ा ज्यादा ही ब्राउन करते हैं, पर पहले हरी मिर्च भी डालेंगे, हरी मिर्च भी थोड़ी पकनी चाहिए, इसीलिए इसके गोल्डन ब्राउन होते ही हरी मिर्च भी डाल देंगे। देखिए ऑयल के बावजूद भी बटर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर पकड़ने लग गया है, तो यही वजह है कि थोड़ा सा ऑयल जरूर डाला जाता है, नहीं तो बटर बिल्कुल जल जाता है। गार्लिक हो गए गोल्डन ब्राउन, अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च,
जूलियंस आप बाद में बिल्कुल कच्चे भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बिल्कुल हल्का सा इसको पका रही हूँ क्योंकि टमाटर डालते ही तो पकेंगे नहीं, फिर वैसे तो वैसे कच्चापन रह जाएगा। ये देखिए गार्लिक भी अच्छा सा बर्न्ड गार्लिक जैसा हो गया, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो प्यूरी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि ये सब निकल जाए। तो मिक्स करने के बाद और हम इसी वक्त में नमक और मिर्च भी डालेंगे। गरम मसाला आपको याद होगा, गरम मसाला और हींग हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमें क्रीम की जरूरत होगी, मैं क्रीम नहीं मलाई डालना ज्यादा पसंद करती हूँ मार्केट के क्रीम की जगह, तो मैं मलाई को फेंट लूंगी तब तक। जब तक ये टमाटर हो रहे हैं मेरे, मैं दाल में पानी डाल देती हूँ और ग्रेवी के हिसाब से। वैसे तो ये अभी भी सूखेगा, ये दाल ऐसी होती है जो पीती जाती है पानी, जितना मर्जी डाल दीजिए आप। मानेंगे अपने इतनी सी दाल में मैंने तकरीबन अब तक वो जो मेरे बड़े जो सूप वाले मग होते हैं वो 4-5 मग पानी तो मैं डाल ही चुकी हूँ, बल्कि ज्यादा ही डाला होगा शायद। 2 मग तो इनिशियली डाला था, फिर आधा आधा करके 4-5 बार डाला, उसके बाद 1 मग पूरा डाला लास्ट में, वो भी अब सूख गया। तो अब ये भी 1 मग जितना मैंने डाल दिया है। तो एनीवेज अब मैं ये धनिया डाल रही हूँ इसमें, मिक्स कर दिया मैंने इसको। और अब ये टमाटर का होने का वेट करेंगे, ये टमाटर जब पक जाएंगे तो तड़का इसमें डाल देंगे और क्रीम डाल के फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये पानी भी मुझे लगता है कम पड़ जाएगा, मुझे शायद और भी डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टमाटरों की तरफ चलते हैं, मैंने सेक तेज कर लिया था टमाटर डालते ही। और अब मुझे डालना है स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च। तो मैं एक बार पहले इसको चख लेती हूँ दाल को कि इसमें जो नमक है वो कैसा है। नमक इतना कम है कि लग ही नहीं रहा कि मैंने नमक डाला है, तो ठीक से डालना पड़ेगा। तो मैं 1 मिनट के लिए नमक वगैरह निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए वैसे नॉर्मली दाल मखनी जो बनती है ना वो थोड़ी सी ब्लैंड बनती है, क्योंकि उसमें जो फ्लेवर्स होते हैं वो मक्खन के और क्रीम के होते हैं, पर बहुत ज्यादा ब्लैंड भी कोई खा नहीं पाता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो नमक मिर्च थोड़ा ठीक से डालना पड़ता है। अब मेरे को मसाले के हिसाब से भी डालना है और मुझे दाल के हिसाब से भी डालना है। तो मैं 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैंने पहले डाला था। और ये देखिए कुटी लाल मिर्च तीखी वाली, मिक्स कर दिया मैंने इसे, सेक वापस से तेज कर देती हूँ। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ कलर के लिए। तो मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च भी आधा ही चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि कलर तो मेरे पास ऑलरेडी इन टमाटरों की वजह से होगा ही होगा। और मिर्च और नमक डालने से क्या होगा, क्योंकि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ये टमाटर फटाफट से गल जाएंगे। कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आ रहा है इस टमाटर का, ऐसे ही टमाटर चाहिए होते हैं हमें इस दाल के लिए, एकदम लाल लाल। और खट्टे, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप खट्टे या जिसे हम देसी टमाटर कहते हैं पंजाबी लोग, वो डालेंगे आप तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका। तो मैं तो नॉर्मली यही टमाटर डालना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड कश्मीरी हैं, वो इसका ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते, तो ज़्यादातर चीज़ों में वो प्रेफर करते हैं कि हम सैलेड वाले टमाटर डालें। कभी आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उनको पकाते हुए तो आप देख ही चुके हैं वैसे। सेक तेज ही है, अब इसका तेल निकलने का वेट करेंगे। जब इसका तेल निकलने लग जाएगा तब हम इसको डालेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा मीडियम सेक कर रही हूँ मैं तेज की जगह, और ये तेल निकलने की वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइडों से तेल वेल निकलना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा मैंने नहीं डाला इसलिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तो होगा भी नहीं। यहाँ पे मैंने मलाई फेंट के रख ली है। अच्छा अब एक बात बताऊं, मलाई का खाली एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, वो ये कि जब आप अगर आप चाहें उसको जैसे हम सजाते हैं दाल मखनी का ऊपर से एकदम यू नो राउंड राउंड सा क्रीम डाल के,
वो नहीं हो पाता क्योंकि मलाई जितनी मर्जी आप फेंट लीजिए वो या तो बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी दूध की तरह, या फिर वो थोड़े थोड़े बीच में टुकड़े रहेंगे तो वो इतना प्यारा सा उसका डिस्प्ले नहीं हो पाता, इतने अच्छे से उसको हम कर नहीं पाते गार्निश। बट स्टिल इसका जो टेस्ट होता है ना, क्योंकि घर की मलाई होती है तो वो टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए ये मैं अब इसमें डालती हूँ दाल में, और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। क्रीम आधी डालूंगी, आधी फिर भी मैं रखूंगी गार्निशिंग के लिए, और आधी भी नहीं, इनफैक्ट मैं 3/4 जितनी वन थर्ड जितनी रखूंगी और 2/3 मैं दाल में डाल दूंगी। तो ये मैं पलटती हूँ, मुझे दोनों हाथों की जरूरत होगी तो मैं अभी इसको पलट के फिर आपको देखिए दाल मखनी में जो तड़का होता है ना, वो दाल का अपना कलर और टमाटर का कलर होता है। इसमें हम हल्दी नहीं डालते, हल्दी का कलर इसमें नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने तड़का डाल दिया, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मलाई। देखिए 2/3 मलाई डाल दी मैंने, ये 1/3 जितनी रख दी है गार्निशिंग के लिए, और इसको हम चढ़ा देंगे गैस पर। मजा आ रहा है ना देख के ऐसे ही, तो हम ऐसे क्यों नहीं गार्निश कर सकते, हमें क्यों जरूरी राउंड राउंड करना है ना। एनीवेज इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से और इसको थोड़ा पकने देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने पानी भी डाला था इसमें, हालांकि वो पानी बॉईल करके डाला था, बट इसको मिक्स होने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तेज सेक पर, 2-3 उबाले आएंगे उसके बाद बंद करके और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, मैं नॉर्मली जो दाल मखनी कुकर में बनाती थी उसे मैं क्या करती थी, सिर्फ एक सीटी देती थी दाल को, कुकर बंद कर देती थी, डीप्रेशराइज हो जाता था तो उसमें 1 कप भर के दूध डाल देती थी। मतलब क्रीम की जो रिचनेस होती है, जो हैवीनेस होती है, वो नहीं होती थी उस दूध को डालने की वजह से। तो हम खाली दूध डालते थे, उसी से ही बहुत स्मूथ हो जाती थी दाल, बहुत टेस्टी बनती थी। तो वो भी आप हांडी में कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हांडी में दाल मखनी बना रही थी, मुझे लगा कहीं दूध फटता ना जाए तो इसीलिए नहीं किया। बट मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम भी कभी ना कभी तो ट्राई करके देखेंगे ही। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम ही आई एम प्रीटी श्योर मैं ट्राई करूंगी उसको और देखूंगी। तो उससे क्या होगा कि हैवीनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, दाल ऑलरेडी हैवी होती है, ये वाली राजमा ऑलरेडी हैवी होते हैं, फिर हम इतनी सारी क्रीम भी डाल देते हैं, फिर हम बटर भी डाल देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। तो हैवीनेस कम करने के लिए अगर दूध डालेंगे तो कम से कम क्रीम का हैवीनेस तो बचेगा उसमें, है ना। तो एक बार आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा और फिर वेट करते हैं इसके। देखिए उबाल आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं झाग बन रही है। तो वेट करते हैं 2-3 अच्छे से उबाल आ जाएं, उसके बाद बंद करके आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। लीजिए फूडीज, हमारी दाल मखनी रेडी है सर्व करने के लिए, और मेरी मलाई भी इतने अच्छे से फिट गई थी कि मैं उसको गार्निश भी अच्छे से कर पाई। तो आप भी बनाइए इसको, खाइए। टाइम जरूर लगेगा, जैसा कि मैंने कहा 2 घंटे प्लस आपका आधा घंटा के करीब तड़का एंड एवरीथिंग, बट टेस्टी इतनी होगी जितनी और नॉर्मल जो आप दाल मखनी खाते हैं मार्केट में वो स्वाद नहीं होगा, उससे बहुत ही ज्यादा स्वाद होगी। तो बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।